ओके, सो जैसे कि तुम लोगों को पता है गेम प्ले में भी ना विचित्र विचित्र प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। सही बात है। उन्हीं में से कुछ खास प्रकार की प्रजातियां निकल कर आती है हम लोगों का पड़ोसी देश ब्राजील सर्वर से। अच्छा? जी बिल्कुल, और एग्जांपल तुम लोगों के सामने है। यहाँ पर हम लोग व्हाइट रैम नामक एक पिलर का गेम प्ले देख रहे हैं। अब देखो ब्राजील सर्वर के मेरे इस मित्र का गेम प्ले इतना अबनॉर्मल है, इतना भयंकर है कि जब कभी भी कोई बंदा इसका गेम प्ले देखता है बस एक वर्ड बोलता है, क्या खेलता है भाई। अच्छा तुम ही बताओ, हमारे सर्वर में ऐसा कोई है इस तरह गेम खेले? मानना पड़ेगा, बैड टिप सेट है। तो भाई लोग अब टाइम आ चुका है ब्राजीलियन सर्वर्स के यूएमपी सीक्रेट्स को रिवील करने का। इस वीडियो में तुम्हारा भाई ब्राजीलियन सर्वर्स के हर एक यूएमपी सीक्रेट्स को रिवील करने वाला है। लाइक यूएमपी से ओनली रेड नंबर इन एवरी कंडीशन। तुम लोग किसी भी परिस्थिति में ओनली रेड नंबर कैसे मार सकते हो? हमको नहीं पता। फिर कैसे तुम लोग वाइड हब जैसे स्कोप एम्बॉड हेडशॉट मार सकते हो? ये शॉट काफी अबनॉर्मल लगता है देखने में, बट इसका एक सीक्रेट है जिसको मैं रिवील करने वाला हूँ। इसके बाद तुम लोग भी इजीली इसको एम्बॉड कर पाओगे। और एट द एंड रिवील करने वाला हूँ ब्राजीलियन एमलॉक सीक्रेट। इस एमलॉक ट्रिक से तुम लोगों का एम अद्भुत तरीके से अपोनेंट एनिमी के हेड पर ऑटोमेटिकली चले जाएगा। और सिर्फ जाएगा नहीं भाई, अपोनेंट एनिमी जिधर भी जाएगा तुम लोगों का एम उसके हेड पर चिपका ही रहेगा। और जैसे तुम लोग फायर करोगे ओनली रेड नंबर मार पाओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सीएस भाई लोग, आज की इस वीडियो में यूएमपी के सारे ट्रिक्स रिवील होने वाली है। सीएस वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहना। और जो जो बंदे इस चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार के बहुत ओपी ओपी वीडियोस आते रहते हैं। सही बात है। तो भाई लोग यूएमपी से ओनली रेड मारने के लिए संवेदनशीलता सेंसिटिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो तुम लोग सबसे पहले इसको 100 कर लेना, ठीक है? ओके, संवेदनशीलता बढ़ाने के बाद नेक्स्ट जो चीज आता है जो कि है दिशा में खींचना, ड्रैग डायरेक्शन। देखो ड्रैग डायरेक्शन ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस डायरेक्शन में ओपोनेंट एनिमी निकलेगा तुम लोगों को हमेशा उसी डायरेक्शन में ड्रैग करना है, फिर इजीली रेड नंबर कनेक्ट हो जाएगा ओपोनेंट एनिमी। जोक्स अपार्ट, बट ड्रैग डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब भाई लोग तुम लोग मेरे गेम प्ले में एक चीज जरूर नोटिस करना, जब भी मैं रेड नंबर मारता हूँ एसएमजी से ड्यूरिंग द फायर में जॉयस्टिक को भी मूव करता हूँ, जिससे कि मेरा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये सिर्फ मैं नहीं, तुम लोग यूएमपी गॉड स्मूथ या फिर स्टेकी एक्स हाईलाइट उन लोगों का भी गेम प्ले देख सकते हो, जब भी वे लोग फायर करता है ड्यूरिंग द फायर जॉयस्टिक मूव करता है। बट क्यों? रीजन बहुत सिंपल है, ओपोनेंट एनिमी जिस डायरेक्शन में मूव करेगा अगर तुम लोग जॉयस्टिक को भी उसी डायरेक्शन में मूव कराते हो सो तुम लोगों का हेडशॉट इजीली कनेक्ट हो जाता है। साथ ही अगर तुम लोग जॉयस्टिक यूज करते हो फायर करते हुए सो ओपोनेंट एनिमी तुमको हेड नहीं मार पाएगा। और जॉयस्टिक यूज करके फायर करने का थर्ड रीजन, जिससे कि गॉड लेवल एक्यूरेसी बढ़ जाता है, जो कि भाई लोग डीबी कैरेक्टर लेके जब भी तुम लोग खेलते हो तुम लोगों का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब भी तुम लोग फायर करते हो या अपने कैरेक्टर को मूव कराते हो यानी कि जॉयस्टिक पकड़ते हो तुम लोगों का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो यस भाई लोग, आज से तुम लोग डीबी कैरेक्टर जरूर लगाना, ठीक है? सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। नेक्स्ट भाई लोग परफेक्ट ड्रैग। ओनली रेड नंबर मारने के लिए सही से ड्रैग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई लोग हेडशॉट मारने के लिए हम लोगों को ड्रैग करना होता है, तभी हम लोगों का बुलेट हेड पर कनेक्ट होता है। तो सिमिलरली तुम लोगों को यूएमपी से भी हेड मारने के लिए ड्रैग नहीं करना है। जी बिल्कुल, तुम लोगों को ड्रैग नहीं करना है। इसी जगह पर सारे पिलर्स गलती करता है, क्योंकि यूएमपी एक एसएमजी गन है तो तुम लोग इसको भी सारे एसएमजी गन या फिर एआर गन जैसे ड्रैग करते हो, और यहीं पर सारी गलती कर रहे हो तुम लोग। तुम लोगों को यूएमपी गन से ड्रैग नहीं करना है, तुम लोगों को यूएमपी गन से वन टैप मारना है। जी बिल्कुल, जैसे तुम लोग वन टैप के लिए ड्रैग करते हो यूएमपी चलाते टाइम भी सेम वैसे ही ड्रैग करोगे, तभी जाकर यूएमपी का फर्स्ट बुलेट हेड पर कनेक्ट होगा। क्योंकि पहला बुलेट हेड पर कनेक्ट हो चुका है सो अब सारे बुलेट हेड पर इजीली कनेक्ट हो जाएगा, और ऐसे करके तुम लोग ओनली रेड नंबर मार सकते हो यूएमपी से। सबसे पहले तुम लोग यूएमपी से नॉर्मल ड्रैग नहीं करोगे बल्कि वन टैप लाइक ड्रैग करोगे, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई लोग स्कोप यूएमपी स्लाइड हेडशॉट के बारे में। और ये हेडशॉट देखने में काफी कूल लगता है, सीरियसली बहुत ओपी लगता है देखने में। सही पकड़े हैं। तो इसको करना भाई लोग बहुत इजी है ऐसा तुम लोगों को लगता है, बट जब करने जाओगे ना गांड फट जाएगी। सो इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले एनिमी से थोड़ा दूर स्कोप ओपन करोगे, हाँ थोड़ा दूर, ताकि डिफॉल्ट एम एनिमी के ऊपर ना जाए। सो मैं स्कोप को यहाँ पर ओपन करता हूँ। अब देखो भाई लोग, जब भी तुम लोग स्कोप ओपन करोगे एक चीज ध्यान देना, तुम लोगों का स्कोप और एनिमी का हेड एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल एक लाइन में, तभी जाकर ये ट्रिक वर्क करता है, वरना नहीं। अब इतना हो जाने के बाद सिंपल सा तुम लोगों को फायर करते हुए स्कोप को स्लाइड करना है एनिमी के हेड की ओर। तो गाइस मैं नहा तो के रेडी हो गया हूं। जैसे तुम लोग स्लाइड करोगे देखना इजीली हेडशॉट कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे तुम लोग एमबॉट लगा
चला रहे हो। सो यस, ये ट्रिक काफी इजी है, बस तुम लोगों को स्कोप को सही जगह पर ओपन करना है। तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। अब भाई लोग, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिसके यूज से तुम लोग अपोनेंट एनिमी के बॉडी पर या फिर हेड पर अपने एम को चिपका सकते हो। सीरियसली, अपोनेंट एनिमी जिधर मूव करेगा तुम लोगों का एम भी उधर ही मूव करेगा और फायर करके इजिली हेडशॉट भी मार सकते हो। सो इस ट्रिक को भाई लोग मैंने ऑलरेडी रिवील कर रखा है एक सेपरेट वीडियो में, थोड़ा ओल्ड वीडियो है, सो हंसना मत, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग जाकर देख सकते हो। तो भाई लोग, आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग इधर 1 मिलियन के बहुत ज्यादा करीब है, सो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ भाई लोग, मैंने नया सेटअप बनाया है, अगर तुम लोग टूर वीडियो चाहते हो, सेटअप टूर, सो कमेंट में बता देना। तो चलो भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।